मंडी जिला के दूरदराज के करसोग उपमंडल मुख्यालय के बस स्टैंड का शौचालय गंदगी से अटा पड़ा है। बस अड्डे से पीछे बना यह टॉयलेट सरेआम बीमारियों को न्योता देकर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है। हाल ये है कि अब नशेड़ियों का अड्डा बनने लगा है। बताया जा रहा है कि नशेड़ी इसी शौचालय के आसपास डेरा जमाए रखते हैं और ऐसे में महिलाओं का यहाँ आना मुश्किल भरा हो जाता है। अस्थायी तौर पर बनाए गए इस शौचालय से आसपास के लोगों की सिरदर्दी बढ़ गई है। शौचालय की सड़ांध से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। वहीं गंदगी का रिसाव होने से बीमारी फैलने का डर सताने लगा है। बदहाल हो चुका यह टॉयलेट अब सिरदर्द बन चुका है। लोगों ने कई बार इसकी मरम्मत की गुहार लगाई, लेकिन हर बार उनकी मांग पर किसी ने भी कोई गौर नहीं किया। पंचायत के कार्यकारी सचिव तहसीलदार राजेंद्र ठाकुर ने कर्मचारियों को तुरंत शौचालय की मरम्मत और साफ सफाई के आदेश जारी कर नशेड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का ऐलान किया है। करसोग में नगर पंचायत का एक ही शौचालय है, वो भी जो है बुरे हालात में है, और आज देखने पर पता चला कि वहाँ पर कोई सारी जो है टूट फूट हुई है और सफाई व्यवस्था भी नहीं है, नशेड़ी भी हैं। बताएं आप थोड़ा। ये जो बस स्टैंड की पिछली तरफ शौचालय बना है, उसके बारे में मुझे आज ही मालूम हुआ कि ये शौचालय नगर पंचायत की ओर से अस्थायी रूप से बनाया गया है। और जो आपने मेरे ध्यान में लाया कि वहाँ पर सफाई की व्यवस्था नहीं है और नशेड़ियों का वहाँ पर जमावड़ा रहता है, उसके लिए मैंने आज ही सुपरवाइजर जो नगर पंचायत में है उसको आदेश दे दिए हैं कि वो जब मौका देख के आज ही उसकी सफाई व्यवस्था और मुरम्मत के बारे में विजिट करे स्पॉट पे। और जहाँ तक रही नशेड़ियों की बात, वो पुलिस थाना के लिए आज ही पत्र लिख दिया जाएगा। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। शुभ नाम जी। हेमंत कुमार जी। हेमंत जी, जो आपके पड़ोस में शौचालय है, पूरे एरिए में सड़ांध फैली हुई है, तो आपने बहुत बार इसके बारे में पहले भी बताया। पहले भी हमने कई बार इसकी कंप्लेंट प्रशासन से की है जी, और इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, और ये हमारे को वहाँ रहना बड़ा मुश्किल होता है जी। बड़ी भारी बदबू आ रही है, और यहाँ पुलिस स्टेशन भी नज़दीक है, पटवार खाना भी नज़दीक है, इनको भी बड़ी दिक्कत हो रही है जी यहाँ। और सफाई का कोई भी यहाँ ये नहीं है जी प्रावधान, और ना फिर यहाँ कोई पानी फेंकता है, ना कोई साफ सफाई करता है, और ये लोग जो साथी के इस हालात में जो काम पे लगाए हुए हैं, महिलाएं कैसे आएंगी? महिलाओं को बड़ी दिक्कत, डरती है जी यहाँ आने से, कतराती है यहाँ, इनसे डर लगती है जी। यहाँ बहुत मुश्किल हो गई है, यहाँ पर जो है स्पेशल क्या शादी में रखा जाए, जो साफ सफाई भी रखे और महिला भी आ जा सके। धन्यवाद। आप पंचायत समिति करसोग के जो हैं अध्यक्ष हैं, चमेलू देवी कश्यप जी, आपका दिव्य हिमाचल टीवी में स्वागत है। धन्यवाद। आप बताएं कि जो बस स्टैंड के पिछवाड़े में शौचालय बने हुए हैं, इनकी हालत क्या है? सबसे पहले तो मैं दिव्य हिमाचल पत्रकार जी का धन्यवाद करती हूँ, थोड़ा ऊंचा बोलें, और जिन्होंने यहाँ हमारे करसोग बस स्टैंड में जो अस्थायी रूप से शौचालय का निर्माण किया गया है, इसकी स्थिति का जायजा लेने जब यहाँ पहुँचे तो मैं भी इस मौके पर सामने थी, तो उस शौचालय की स्थिति बहुत ही खराब है, जो सारी गंदगी है बाहर ओपन जा रही है, और ज़्यादातर समस्या इसमें महिलाओं को आ रही है। महिलाएं इस स्थिति में कहाँ बाहर जाएगी, तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। तो मेरी उच्च अधिकारियों से शौचालय के यहाँ शराबियों ने भी डेरा डाला हुआ है, इस हालात में महिलाएं आएंगी? हाँ जी, महिला कैसे आ सकती हैं, यहाँ दो चार शराब पीकर और भी लोग देखे गए, यहाँ पर महिलाएं तो आ ही नहीं सकती है इस हालत में, ओपन में ही शौच में लोग जा रहे हैं, तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। इसकी हालत सुधारी जाए। मेरी हिमाचल पथ परिवहन निगम के आरएम साहब से यही मांग है कि जल्दी से इस शौचालय का निरीक्षण करके इसमें जो भी सफाई व्यवस्था का जो बिगड़ी हालत है इसको ठीक किया जाए, ताकि आम आदमी को यहाँ, महिलाओं को, बुजुर्गों को, सब लोगों को यहाँ ये सुविधा प्राप्त हो सके। धन्यवाद जी। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए करसोग से नरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। पहाड़ी संस्कृति से जुड़े त्योहार हमारे संस्कृति की धरोहर है। सायर साजे की पूरे क्षेत्र वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। विकास खंड करसोग में ग्राम पंचायत मोग से अलग हुई नाविदार स्थित बाग में नई पंचायत बनने पर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का व स्थानीय विधायक श्री हीरालाल जी का पूरे 84 क्षेत्र की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद।